अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर जी, डी स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। आप करने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हिंट भी दिया गया कि उसको आप मज़ीद इस तरह से लिख सकते हैं। मैं मज़ीद आपको सोल्यूशन इसका बताता हूँ कि हमारे पास इधर है 1/(x³+1)। आपको पता है ये एक्स क्यूब का वैसे लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, और 1 का क्यूब कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 1 है, 1 का क्यूब कर लें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a³ + b³, तो वो होता है a b + b²। तो इसमें हमारे पास ये नीचे वाले फार्मूला कंप्लीट हो रहा था। हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो x आता है, फिर है सेकंड का स्क्वायर, सेकंड 1 है, उसका स्क्वायर करें तो 1 ही रहता है। फार्मूला हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ हम इसको लेट कर सकते हैं मज़ीद 1/(x+1 - x+1)। तो इसको हम लेट करेंगे कि ये फर्स्ट वाला तो नॉन रिपीटेड लीनियर है, इसको हम ओनली 1 के साथ ही लिख लेंगे, और सेकंड वाला हमारे पास है इधर से हमें रैशनल जो है ना रियल नंबर नहीं मिलने, इस वजह से ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक जो है ना फैक्टर बन रहा है। तो इसका हम इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसको हम इस तरह से लिखते हैं bx/c x²-x+1, इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं। तो हम पूरी डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हम लिख लेंगे इधर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x+1 x²-x+1। ठीक, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये दोनों इस एक जगह से कट जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x+1 x+1 से कट हो, और ये रहे इसको ये से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हम लिखेंगे a(x²-x+1) प्लस, जब इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक जगह से कट जाएंगे, तो ये इसको bx+c से मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम लिख लेते हैं bx² = 2। तो हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर लिख लेते हैं फॉर x+1 = 0, और यहाँ x-1 = 2। हमने x की वैल्यू 1 इधर से निकाली, इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास आ गया 1 = देखिए -1 इसमें पुट करें तो -1 + 1 = 0, ये सारा 0 हो गया। तो हम इसमें से पुट करते हैं, तो हमारे पास -1² - -1 + 1, तो यहाँ हमारे पास आ गया 1 = a(1) का स्क्वायर होता है जी 1, -1 + 1 = 1, इनको ऐड करें तो 3 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, तो यहाँ हमें a मिल गया। नेक्स्ट हमने b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम एक्सपेंड कर लें इक्वेशन 2 को, तो मैं इधर लिख लेता हूँ बाय एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को मैं इधर एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है ये, यहाँ हमारे पास आ गया 1, इस a को x² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ax², फिर a को -x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -ax, और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो a। नेक्स्ट bx को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये आता है bx², फिर bx को 1 से मल्टीप्लाई किया तो bx, फिर c को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो cx, नेक्स्ट cx और c को 1 से किया तो c आ गया। तो यहाँ हमारे पास आता है 1 = ax² इधर भी है, तो इनमें कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया a+b (x²), और x इधर भी है, x इधर भी है, तो यहाँ हमें मिल गया -a+b + c और x, a इधर भी c इधर कांस्टेंट, ये आ गया, ठीक हो गया। या हमें a और a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, हमने b और c की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले लेते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर हम इधर स्टेटमेंट लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो मैंने एक्स स्क्वायर एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो मेरे पास इधर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट आ रहा है ए प्लस बी इक्वल में, इधर कोई भी नहीं है तो जीरो आएगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसमें मतलब उधर जीरो है, तो इसको इक्वेशन थ्री का नाम देता हूँ। और यहाँ से मैं एक्स के कोएफिशिएंट को देखूँ तो वो मेरे पास इधर आ रहा है माइनस ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल में इधर क्या है वन, तो ये मेरे पास माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन, इसको इक्वेशन फोर का नाम दे देते हैं। इसमें ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और नेक्स्ट हम ए और बी की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री के अंदर ए की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है वन ओवर थ्री, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो वो माइनस वन ओवर थ्री आ गई। ए की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, बी की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, तो इसको हम फोर इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। फोर इक्वेशन में हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फोर, तो इक्वेशन फोर के अंदर हम ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू इसमें हमारे पास है वन ओवर थ्री और बी की वैल्यू माइनस वन ओवर थ्री, तो ए की जगह लिखते हैं वन ओवर थ्री, ये माइनस सात वैसे ही था, और बी की जगह माइनस वन बाई थ्री और सी वैसे आ गया, तो इक्वल मेरे पास आ गया वन, ठीक हो गया। तो ये आ गया माइनस वन बाई थ्री प्लस माइनस वन बाई थ्री प्लस सी इक्वल टू वन, इनका एलसीएम करें तो थ्री और ये थ्री थ्री से कट के वन, वन को माइनस वन माइनस वन माइनस वैसे थ्री को थ्री डिवाइड किया आंसर वन, वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन, और यहाँ आ गया सी इक्वल टू वन, तो ये आ गया माइनस टू बाय थ्री सी वन, इसको उधर ले जाएंगे सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये हमारे पास आ गया टू ओवर थ्री। तो यहाँ अगर देखें तो हमारे पास इसका एलसीएम थ्री आ गया, तो थ्री को थ्री वन से मल्टीप्लाई थ्री और थ्री को थ्री डिवाइड किया आंसर वन, वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो टू, तो ये आ गया फाइव ओवर थ्री। सी की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर लेते हैं। तो अब इधर लिख लेते हैं, नेक्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास है, इसको लिख लेते हैं अभी, इसको डिलीट नहीं किया क्योंकि इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है ये। तो यहाँ ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी वन ओवर थ्री, वो लिख ली एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर में, प्लस बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी माइनस वन बाई थ्री एक्स, और सी की वैल्यू इधर क्या फाइंड की थी वन फाइव ओवर थ्री, और डिनोमिनेटर में हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक हो गया। अब इसको डिलीट करते हैं ताकि मजीद इसको सॉल्व कर सकें। ये आ गया मजीद हमारे पास, देखे इधर ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये इससे थ्री इससे मल्टीप्लाई हो गया इसके डिनोमिनेटर से, या इसमें एलसीएम देखें तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास होता है थ्री, और इस थ्री को थ्री पर डिवाइड किया आंसर वन, वन को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स ही आ गया प्लस, अब थ्री को थ्री पर डिवाइड किया आंसर वन, वन को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो फाइव, और डिनोमिनेटर में जो वैसे लिखा हुआ है ये आ गया। नेक्स्ट एक्स प्लस वन, तो मजीद अगर बता डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ऊपर हमारे पास रह गया एक्स प्लस फाइव, तो यही इसका
आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।